तो हेलो गाइस एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग ऑफ नोवा व्लॉग्स। और मैंने सोचा नहीं था भाई ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो वीडियो है, मैं वापस से अभी बोल पाऊंगा, पर आप लोगों के प्यार के वजह से तुम्हारा भाई रिटर्न आ चुका है और हम तो रिटर्न आ चुके हैं हमारे जाने माने कैमरामैन बरमुड़ा बुरकुमार दर्शन भाई, डी व्लॉग दर्शन भाई पटेल रिटर्न आ गए हैं। तो आज तो आपको पता ही रहेगा, टाइटल और थंबनेल से तो आपने समझ ही गए रहोगे कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं हमारे बाइक को वापस से पेंट कराने, एकदम ग्लॉसी ब्लैक में। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाली है और मेरे दोस्त के दुकान से ही करा रहा हूँ। तो आप लोगों को आगे अगर वीडियो में देख के अगर आप लोगों को भी इंटरेस्ट हो ये सब कराने के लिए तो ज़रूर से मेरे को बताना, क्योंकि ये अपने भाई की ही दुकान है तो डिस्काउंट भी करा देंगे अपने नाम से तो वीडियो लास्ट तक देखो, कलर की क्वालिटी भी देख लेना, सब कुछ देख लेना, तुम्हारा भाई सब कुछ डिटेल में बताएगा और बाइक है ना बहुत ज़्यादा मस्त बन के आने वाली है। तो ज़रूर से ब्लॉग को लास्ट तक देखना। और गोप्रो में अभी मैं कुछ बात करूंगा अपनी, बोलते हैं ना वो तो कहानी तो मैं हर ब्लॉग में सुनाता ही हूँ, तो ये बार भी ब्लॉग में हर एक नई कहानी सुनाएंगे तो आप लोगों को जैसे कि मज़ा आता है मेरी जो टोन है बोलने की उसको सुन के, स्टोरी टेलिंग सुनने की आपको मज़ा आती है, तो ज़रूर से वीडियो देखना लास्ट तक। गोप्रो में गोप्रो वाले कैमरा से और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये देखो गाइस, इतने दिन बाद मैं बाइक निकाल रहा हूँ, मेरे बाइक की हालत देखो, मतलब मेरे को पता है कमेंट सेक्शन में मेरे को बहुत ज़्यादा गाली पड़ने वाली है कि भाई क्या हालत बना लिया तूने नोवा की और खुद की, पर कोई बात नहीं, कमबैक होएगा इसका। बहुत कुछ टूट गया और मेरी गाड़ी भी अभी स्टार्ट नहीं हो रही है, देखो ये टूट गया है, इंडिकेटर टूट गया है, मेरा मीटर ख़राब हो गया है, मेरे पीछे की लाइट टूट गई है, ये देखो पीछे की लाइट टूट गई है, जितना ही मैंने रैप किया था सब डल हो गया है, सब डल हो गया है, देखो आप देख ही रहे होगे कि देखो पूरा डल हो गया है। और गाड़ी देखो कितने दिन से मतलब इतनी खड़ी है ना, अब धूल से ही अंदाज़ा लगा लो, ये देखो। तो बहुत बुरी हालत थी मेरे नोवा की, पर देखते हैं अभी ये स्टार्ट होती है नहीं होती है, मेरे को तो लग रहा नहीं है स्टार्ट होगी, लेट्स सी। पर बैटरी बराबर है, पर एक बोलते हैं ना एक कोई तो वो सेंसर रहता है वो शायद से हिल गया उसके वजह से, पर कोई बात नहीं, अभी इसको फटाफट कपड़ा मारते हैं और एक एक्टिवा है अपने पास उससे अपन टो मारेंगे। सेकंड गियर पे चालू हो रही है मेरी बाइक तो वो चालू कराते हैं और फिर कुछ बात करता हूँ आपसे दिल से दिल तक वाली। मैं ये नहीं बोलूँगा व्लॉग लास्ट तक देखो, आपको अगर फील होएगा भाई कि मैं क्या बोल रहा हूँ तो लास्ट तक मेरा व्लॉग देखना, पर ध्यान से सुनना जो भी मैं बोलूँगा। तो बस चलो अभी डायरेक्ट रोड पे मिलेंगे और अभी इसको टो मारना है, बहुत बड़ा टास्क है ब्रो, पर लेट्स सी देखते हैं। पहले तो कपड़ा मारना पड़ेगा भाई, बहुत दिन से पड़ी है बेचारी, मेरे YouTube चैनल के तरह बाइक को भी धुल लग गया। हाँ अभी ये तो डलाने ना, इस पर ट्राई करना सेकंड पे उठाने, ठीक है नहीं 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 थोड़ा स्पीड में आने दे, हाँ उठा अभी, हट जा तू, उतर उतर उतर, फाइनली नोवा चालू हो गई भाई पेट्रोल पंप पेट्रोल पंप। मेहनत का फल कभी बोलते ना वेस्ट नहीं होता, और मेरे व्लॉग में हम भाई पूरे ही सच्चाई दिखाते जो है, कुछ फिल्टर नहीं कुछ एडिट नहीं, जो है सीधा सामने। अभी चालू हो गई है अपनी गाड़ी, फटाफट से पेट्रोल पंप जाते हैं, फ्यूल भराते हैं, फ्यूल है तो भी भराते हैं क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन वाली गाड़ी है तो आपको पता ही है कि मिनिमम 2-3 लीटर फ्यूल होना ही चाहिए अपनी बाइक पे। तो बहुत दिन से पड़ी थी तो बहुत दिन से फ्यूल भी नहीं डलाया था मैंने, तो मज़ा आएगा और उसके बाद मेरी नोवा पर आके आपसे बात करता हूँ। आए हाय ये फीलिंग, कितने दिन बाद मेरी नोवा चला रहा हूँ मैं और व्लॉग कर रहा हूँ, इतना मज़ा आ रहा है ना, मतलब लिटरली पुराने दिन याद आ गए मेरे जब मैं व्लॉग किया करता था। मीन्स क्या ही लग रहा है, अभी मेरी बाइक में जितनी प्रॉब्लम्स है, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि मीटर ख़राब हो गया है तो मीटर वाले के पास अपने को जाने का है, और फिर पीछे की लाइट टूट गई है वो भी बनानी है, और फिर इंडिकेटर तो मेरे घर पर पड़ी है तो वो भी डला लेंगे हम लोग इंडिकेटर, और मेरी बाइक को मैं वापस से पेंट और रैप करूंगा
पर अभी पूरी गाड़ी नहीं पेंट करूंगा, खाली जो मेरे साइड के पैनल है वो वापस से रीपेंट करूंगा। पहले मैंने मैट ब्लैक में किया था, पर अभी मैं ग्लॉसी ब्लैक में करूंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी और क्या चमकेगी पता है आपको। और रैप तो मैं वापस से यही वाला कराने वाला हूँ, क्योंकि ये जो थीम है ना भाई, इतना प्यारा थीम है और इतने लोगों को पसंद आया ना, मतलब मेरे को खुद को इतना पसंद आया ना, तो वापस से रैप तो वही वाला होगा। और अभी आपको मैं बताता हूँ कि मैं इतने दिन से गायब कहाँ था, मैंने व्लॉग क्यों नहीं डाले। तो सच बोलूँ ना, देखो मेरा, मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिव हो गया था, मतलब मैं बहुत ज़्यादा वो हो गया था कि हाँ अभी ये मेरे से होगा नहीं होगा, क्योंकि इसमें फ्यूचर है पर इसमें आपको मेहनत भी उतनी करनी पड़ती है, तब जाके आपका फ्यूचर बनता है इसमें। और आपने देखा रहेगा मोस्ट ऑफ अभी जितने भी व्लॉगर आए हैं, मतलब व्लॉगर थे, वो सारे कम हो गए, वरना पहले आप देखते थे तो कितने सारे व्लॉगर आए थे भाई, बीच में तो इतने सारे व्लॉगर आए थे पूछो मत। और रील्स क्रिएटर भी बहुत आए थे, मतलब बहुत जन जुड़े थे ये वाली लाइन में, बहुत मतलब बहुत जन जुड़े थे। क्या बोलते हो भाई, एक विली हो जाए क्या बहुत दिन बाद? क्या बात है, क्या ही विली उठी है। मतलब हमारी बाइक अभी भी ऐसी है ना कि पूछो मत भाई, अच्छे अच्छे के होश उड़ा दे ऐसी बाइक है। और लिटरली इतने दिन बाद विली मारा मैंने, थोड़ी प्रॉपर नहीं थी पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो चलो गाइस, अभी आपको मैं बताता हूँ कि भाई मैं इतने दिनों से कहाँ था, क्या कर रहा था, मेरे साथ क्या हो रहा था, और मैं व्लॉग क्यों नहीं डाल रहा था, क्या रीज़न थी जिसके वजह से मैंने इतने दिन स्किप ले लिया, इतने दिन से मैंने व्लॉग ही नहीं डाला, एक भी नहीं डाला। और जो भी मैं बोलूँगा बड़े ध्यान से सुनना, और आप लोग अगर ये मैं जो बोल रहा हूँ वो कनेक्ट कर पाओ तो ज़रूर से वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब भी आप लोगों के सपोर्ट की मेरे को इतनी ज़्यादा ज़रूरत है ना, क्योंकि जो मेरा डेड चैनल है, मेरा ये है कि भाई मैं वापस से उसको उठाऊँगा और ऐसा उठाऊँगा कि भाई सब देखते रह जाएंगे, ऐसा उठाऊँगा। तो आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो वीडियो ज़रूर से अच्छी लगेगी तो ज़रूर से भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और सपोर्ट दिखाना आपका, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना जो भी आपको फील हो, अच्छा लगे बुरा लगे जो भी लगे बिंदास कमेंट करना, ताकि मेरे को भी पता चले कि मैं व्लॉग में क्या अच्छा करता हूँ और क्या बुरा करता हूँ। तो ये सब आपके कमेंट सेक्शन से ही मेरे को पता चलेगा, आपके ओपिनियन से ही मुझे पता चलेगा। तो अभी मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था। तो देखो, ये जो यूट्यूब की मेरी जर्नी है और ये जो यूट्यूब का मेरा व्लॉग्स है, जो भी मैं मेरे मतलब बाइकिंग से मैं डालता हूँ, मोटो व्लॉग जो मैं डालता हूँ, आपको पता रहेगा ये बहुत सैड है पर ये रियलिटी है कि इसका आगे इतना भी ज़्यादा कुछ फ्यूचर नहीं है। और अभी जो कि मैं बड़ा हो गया हूँ, 21 साल का हो गया हूँ, तो समझ रहे हो ना, घर वालों के तरफ से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि भाई तू काम कर, कुछ कर ज़िंदगी में, ऐसे कब तक चलेगा। क्योंकि YouTube तो देखो भाई इतना भी नहीं देता कि हम सब कुछ छोड़ के यही करें, तो वो भी होगा एक दिन ज़रूर से अगर मैं मेहनत करते जाऊँगा तो, और मैं करूँगा मेहनत, मेरे को पता है। बाकी अगर बात करूँ तो यही लाइन, ये लाइन की यही रियलिटी है और यही फैक्ट है। तो यही सब सोच के मैं व्लॉग्स नहीं डाल रहा था, कुछ नहीं डाल रहा था, डीमोटिव हो गया था, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि पहले जैसे मेरे को ना व्यू आ रहे थे ना कुछ आ रहा था। पर अभी मैं वो सब नहीं देखूँगा, मैं अपनी मेहनत करते जाऊँगा, व्यू देना ऊपर वाले के हाथ में, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर से वीडियो आगे बढ़नी है। तो यही सारी चीज़ें थी जिसके वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल पा रहा था, पर अभी मैंने सोचा कि भाई नहीं, मैं वापस से आऊँगा, कम बैक करूँगा और व्लॉग्स वगैरह सब कुछ डालूँगा, क्योंकि आप लोगों के प्यार ने ही मेरे को रिटर्न लाया है भाई। हाँ सच बोल रहा हूँ, आप लोगों के प्यार ने ही रिटर्न लाया है। जो मेरे यहाँ के जो बच्चे लोग हैं ना, जो मेरे व्लॉग देखते हैं भाई, वो लोग मेरे को देखते हैं ना तो वो लोग बस यही पूछते कि भाई व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, आप क्या हो गया, व्लॉग डाला करो, हम लोग को बहुत मज़ा आता था आपके व्लॉग देख के। तो वही सब देख के हमारा भाई रिटर्न आ गया है, तो बस अभी अपना प्यार दिखाओ। और अभी हम लोग जा रहे हैं माड़ा, क्योंकि वहाँ पे मेरे एक दोस्त ने अपनी शॉप खोली है, निक ने, तो वो सब ग्राफिक्स वगैरह ये सब की शॉप है। एकदम डिटेल में भाई ने हर किसी का काम काज चालू कर दिया है, मतलब गैराज चालू कर दिया है, वॉशिंग चालू कर दिया है, रैप चालू कर दिया है, कलर का तो
अभी कलर तो वहाँ से करा रहे, तो आपको सब कुछ डिटेल में देखने मिलेगा कि भाई कलर का पेंट कैसा दे रहा है बंदा, कलर की क्वालिटी कैसी है, एकदम तगड़ी है भाई, आपको देख लेना ब्लॉग में। और उससे रिलेटेड कुछ काम रहेंगे तो मेरे को ज़रूर से DM करना, ये मेरा नीचे इंस्टाग्राम ID आता रहेगा, ज़रूर से फॉलो कर लेना। भाई आज क्या बात है, ट्रैफिक ही नहीं है? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है भाई, वरना शाम को तो बाप रे बाप ट्रैफिक पूछो मत भाई, इतनी ट्रैफिक लग जाती है। हाँ ये वाले रोड की हालत देख लो, उससे बदतर हालत ये वाले रोड की रहती है, पर आज पता नहीं नसीब अच्छी है। तो आपको भगा के बता दे, साउंड एंजॉय करो। आज मौसम भी एकदम मस्त है, ट्रैफिक ही नहीं है भाई, मजा आ रही है। आज लग रहा है दिन पलटते हो रहे भाई। हाँ जाते तो जाने के टाइम पे तो भीड़ लगी पड़ी है भाई, आते टाइम कुछ है ही नहीं। चाचा व्हाट इज दिस बिहेवियर, चाचा चाचा अनबैलेंस हो गए। इधर RTO का वो होना चाहिए, टेस्ट इधर होना चाहिए, जो यहाँ पे चला लिया वो पास है। हाँ भाई ये देखो गली गली फुटपाथ फुटपाथ हर जगह से भाई, भाई हम लोग कोई सिग्नल विग्नल नहीं तोड़ रहे, ना कोई रूल तोड़ रहे, ये रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसीलिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि रास्ता ही यहाँ से करके दिया है भाई। हाँ सब जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे, सब जा रहे हैं। चलो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं निक की शॉप पे, तो अभी आपको उसकी शॉप दिखा दें। उसने मेरे को दोपहर को बोला था आने के लिए, भाई शाम हो गई, शाम भी नहीं अभी तो रात होने आई आते आते, क्योंकि मेरे को अभी थोड़े काम थे इसीलिए लेट हो गया मेरे को, वरना मैंने उसको बोला था दोपहर को आ जाऊंगा मैं। ये देखना उसकी गाड़ी वॉशिंग करता रहेगा अभी। यस हमसे हो गई रात और हमने हमारी बाइक भी यहाँ पे दे दी है, तो पेडोक वेडोक लग रहे उस पर, आपको दिखाते हैं। ये देखो और पहले खाली ब्लैक पेंट कराने वाले थे अपन, पर अभी अभी जितने भी स्टिकर है नियॉन में सारे अभी उसमें पेंट में आ जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी 3-4 दिन के लिए तो अपनी अमानत यहाँ पे, उसके बाद पर्दा उठेगा भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। भाई अगर व्लॉग अच्छा लगा रहेगा तो ज़रूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। बस मिलते हैं ऐसे ही आने वाले एक मस्त व्लॉग में, टिल देन गुड बाय एंड राइड सेफ।